प्यारे दोस्तों, साथियों, छात्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना YouTube साइंस स्किल चैनल पे। तो प्लीज अगर आप नए हैं वीडियो पे तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पे लेकर डेली बेसिस पे अभी ला रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की क्लासेस। जो अभी भी 12th क्लास में है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो हो सकता है। तो अगर नए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरी ये इच्छा है कि जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर हो जाए, ताकि ये वीडियो को हम लाइव अपडेट कर सके यूट्यूब पे। इसलिए अगर आपके अगल बगल के जो साथी होंगे उनसे भी आप इस जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करा दें, ताकि मेरी ये उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हम यूट्यूब पे लाइव वीडियो लेकर आए। तो इसके लिए बस एक ही काम करना होगा, बिल्कुल सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि 1K सब्सक्राइबर रहता है तभी हम लाइव आपके सामने आ पाएंगे। तो चलिए हम लोग अब अपने काम पे आते हैं। जैसा कि अभी हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 5.5 प्यारे छात्रों एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। बुक जो भी 12th क्लासेस के स्टूडेंट होंगे, एनसीईआरटी बुक से हम हर एक तरह का सॉल्यूशन लेकर आते हैं। सबसे पहले उस एक्सरसाइज का थ्योरी लेकर आते हैं। तो एक्सरसाइज 5.5 एनसीईआरटी का थ्योरी हम अभी ला रहे हैं। अगर थ्योरी को आप समझ जाएंगे प्यारे छात्रों तो आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बिल्कुल गारंटी है। तो सबसे पहले जो हम लोग थ्योरी है वो रूल्स ऑफ लॉगरिथम है, यानी कि अब जो एक्सरसाइज है 5.4 वो बिल्कुल और बिल्कुल आपको लॉग के प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टीज अगर बढ़िया से पकड़ है तो आराम से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बिल्कुल 100% गारंटी है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि क्या रूल्स ऑफ लॉगरिथम है, लॉग का क्या रूल्स है। तो पहला रूल ये बोल रहा है कि लॉग के अंदर में अगर कोई गुना रहे, n इंटू एन रहे प्यारे छात्रों, तो हम लोग गुना को अलग अलग तोड़ देते हैं। लॉग के साथ m आएगा और प्लस हो जाएगा लॉग के साथ n। ये कब करेंगे प्यारे छात्रों? जब लॉग रहे और उसके अंदर गुना में रहे। जब उसके अंदर गुना में रहे तो हम लोग लॉग m प्लस लॉग n कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि दो ही चीज, अगर लॉग के अंदर बहुत सारा चीज गुना में रहे, m गुना n गुना p कॉमा r कॉमा s गुना s, कुछ लॉग के अंदर बहुत सारा फंक्शन गुना में रहे तो सबको हम लोग तोड़ देते हैं प्लस में। लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p प्लस लॉग r, सबको हम लोग प्लस में ऐड कर देते हैं। यानी कि एक रूल ये हुआ कि लॉग के अंदर में कोई भी चीज अगर गुना में रहेगा तो उसको प्लस में तोड़ते हैं। वैसे ही प्यारे छात्रों अगर भागा में रहा, जैसे लॉग m बटा n, अगर लॉग के अंदर m बटा n रहेगा यानी कि भागा में रहेगा तो घटाओ में टूट जाता है। ऊपर वाला जो m है उसको पहले लिखा जाता है लॉग m माइनस लॉग के m के साथ। यानी कि ये चीजें बहुत सिंपल है प्यारे छात्रों कि लॉग के अंदर अगर गुना रहा तो हम लोग प्लस में तोड़ते हैं, लॉग के अंदर दो के अलावा तीन चार गुना में रहेगा तो हम लोग सबको प्लस में तोड़ देंगे, लॉग के अंदर अगर भागा रहा तो उसको हम लोग माइनस में तोड़ देंगे, लॉग एम माइनस लॉग एम। अब जरा इसको समझते हैं, लॉग है एम है, उसके पावर कुछ भी रहेगा तो पावर को हम लोग सबसे पहले निकाल देते हैं एन लॉग एम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाना चाह रहे हैं, रहेगा लॉग 2k पावर 3, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो पावर रहा उसको पहले लिखना है 3 और लॉग 2। समझ में आ रहा है प्यारे छात्रों? यानी कि अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ये तो रूल्स ऑफ लॉगरिथम नोट करना है। उसके बाद और भी कुछ थ्योरी है, अभी पूरा थ्योरी समाप्त नहीं हुआ, यानी कि ये सब जो फॉर्मूला है बिल्कुल आपको ये रूल्स को याद रखना होगा, ये रूल्स ऑफ लॉगरिथम था, लॉग का कुछ रूल्स नियम थे। अब चलिए हम लोग आते हैं सम इंपोर्टेंट रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सम इंपोर्टेंट रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, कुछ ऐसा भी डिफरेंशिएशन का रूल है जिसको हम लोग फॉलो करेंगे। बहुत बढ़िया, पहला जो रूल है डी यू के पावर भी है, देखिए ये बहुत बढ़िया काम करने वाला है, बटा डी एक्स इज इक्वल टू यू के पावर भी बटा यू इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस सॉरी प्लस लॉग यू इंटू डी भी बाई डी एक्स।
डीवी बाई डी एक्स। और दूसरा बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बस यही एक क्वेश्चन है क्योंकि और बाकी का वैल्यू तो पता नहीं, तो डी यू के पावर वी का फार्मूला आपको बिल्कुल याद रखना होगा। प्यारा छात्रों ये हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे, ये कब इस्तेमाल करना है, जब कभी भी पावर के पावर रहेगा, यानी कि यू भी फंक्शन रहेगा भी फंक्शन रहेगा और पावर का पावर रहेगा। याद रहे अभी तक के हम लोग जो फार्मूला यूज करते थे वो यू इंटू वी लगाते थे या यू बाई वी लगाते थे, लेकिन आज एक नया फार्मूला आ गया यू के पावर भी। यू के पावर भी बोले तो कोई फंक्शन रहेगा, जैसे अब उसकी बार ऐसे मिल सकता है साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, ये मिलेगा, तब ये इसको मानना है यू और इसको मानना है भी। और इसका फार्मूला क्या होता है कि पहले आप यू के पावर भी है तो यू के पावर भी रखिए, फिर ब्रैकेट में लिखिए भी बटा यू, फिर इनटू डी यू बाई डी एक्स प्लस लॉग यू, लॉग लगाना है अपने तरफ से और यू का यू रखना है और डी वी बाई डी एक्स। चलिए एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रूव दैट आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि डी ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। देखिए इसके पिछले हम लोग थ्योरी में 5.4 का जब थ्योरी चल रहा था तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x और a के पावर x का डिफरेंशिएशन हम लोग सीखे थे a के पावर x इंटू log a, ये हम लोग सीखे थे a के पावर x इंटू log a, ये हम लोग सीखे हुए थे कि a के पावर x का इतना फार्मूला होता है। अब यही चीज को प्रूफ करना है प्यारे छात्रों, इसको प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम चलेंगे LHS से, LHS से चलेंगे तो LHS से क्या बनेगा d a के पावर x by dx। अब इसको सबसे पहले ऊपर वालों को मान लेंगे भी और नीचे वालों को मानेंगे u, तो अब यहां पे देख रहे हैं ना u के पावर भी है तो u के पावर भी से फार्मूला हम तोड़ सकते हैं, तो क्या टूटेगा, पहले u के पावर भी है तो u के पावर भी छोड़ देना है, मतलब कि a के पावर x है तो a के पावर x छोड़ देना है, फिर क्या लिखना है v बटा u। प्यारे छात्रों v बटा u का मतलब x बटा a, x बटा a इंटू यहां पे डी यू बाई डी एक्स, यू का मतलब नीचे वाला, तो यहां हम करेंगे d यानी कि डिफरेंशिएशन u का, तो यहां हो जाएगा a का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस लॉग लिखना है तो लॉग लिख दिया u, तो u के जगह पे क्या है आधार में a, तो यहां पे लॉग a इंटू तो इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स का मैंने पावर में x है तो डी एक्स बाई डी एक्स फिर ब्रैकेट। अच्छा फिर से इसको हम लोग अगर काम करेंगे तो जरा ऊपर से लिखते हैं, ये तो फार्मूला समझ रहे ना, बिल्कुल फार्मूला इसका एक ही था, हम अभी एक क्वेश्चन लिए हुए हैं कि इतना बराबर इतना जो हम लोग का फार्मूला होता है a के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x log a, वो आता है कि नहीं आता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पावर वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं। अच्छा पावर वाला फार्मूला वही यूज किया जाता है जहां पे दोनों फंक्शन रहेगा, जैसे ये भी x में रहा ये भी x में रहा, तब वरना डायरेक्ट अगर ये फार्मूला ऐसा रहा तो हम लोग डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, यानी कि ये वाला फार्मूला तब यूज करना है जब नीचे भी x ऊपर में भी y, यानी कि दोनों फंक्शन रहना चाहिए, x में रहे चाहे y में रहे चाहे x में रहे, तब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। तो खैर यहाँ पे a के पावर x log a होता है, यह भी प्रूफ करना है, चलिए अभी इसको प्रूफ करते हैं, फार्मूला नोट कर लिए होंगे बिल्कुल याद कर लीजिएगा। तो अब यहां से आगे चले तो a के पावर x ये तो बाहर करना है x बाई ए और a क्या है, जब भी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि a b c अल्फाबेट का शुरुआती जो लेटर होता है वो कांस्टेंट होता है, तो a क्या है कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बिल्कुल जीरो, तो यहां पे तो जीरो प्लस log a इंटू dx बाई dx का वैल्यू क्या है छात्रों वन। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो किसी भी संख्या को जीरो से गुना करते हैं तो पूरा जीरो, यानी a के पावर x और log a को 1 से गुना करेंगे उसमें 0 ऐड करेंगे तो log a, यानी कि d a के पावर x का जो डिफरेंशिएशन है वो हम लोग प्रूफ कर दिए आज कि a के पावर x log a होता है। अगर आपको शॉर्ट में कहीं भी अगर आपको a का मतलब क्या कांस्टेंट,
दो रहे, चार रहे, पांच रहे, जैसे कि डी पांच के पावर एक्स रहेगा तो डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन लिखेगा पांच के पावर एक्स का पांच के पावर एक्स और लॉग फाइव। ये वाला फार्मूला तब यूज किया जाता है जब यहां पे कोई कांस्टेंट का पावर एक्स रहेगा, आठ के पावर एक्स, दस के पावर एक्स, बावन के पावर एक्स, यानी कि कोई कांस्टेंट रहेगा और पावर में फिर एक्स रहेगा, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे प्यारे छात्रों। लेकिन यू के पावर वी वाला फार्मूला वहां यूज करेंगे जो ये भी चर मान है और ये भी चर मान है, यानी कि ये भी एक्स में फंक्शन है, चाहे ये भी एक्स में फंक्शन है, चाहे दोनों वाई में रहे, चाहे दोनों एक्स में रहे, चाहे ये एक्स में, चाहे ये वाई में, या फिर ये वाई में, चाहे तो ये फिर एक्स में, यानी कि एक्स वाई का फंक्शन रहेगा, तब हम लोग यू के पावर भी इस्तेमाल करते हैं। अब रहा बात की सर जो लॉग वाला प्रॉपर्टीज लिखवाए हैं, लॉग का जो रूल्स लिखवाए हैं सर, उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पूरा का पूरा 5.5 का पूरा थ्योरी खत्म होता है। तो चलिए हम लोग अब पकड़ते हैं एक्सरसाइज को। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे कि उसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले 5.5 में जो क्वेश्चन है प्यारे छात्रों, उसको हम लोग अपना माइंड का यूज करके और तभी डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि वहां पे लॉग का भी इस्तेमाल करना है, बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करना है। तो पहला सवाल को आप देखेंगे cos cos 2x cos 3x है, ऐसा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आप क्वेश्चन ऊपर पढ़ेंगे तो यही लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएशन निकालो, डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन का मतलब प्यारे छात्रों dy / dx होता है, यही ना। तो अब हमें तो y का वैल्यू नहीं दिया है, तो जो क्वेश्चन भी बोल रहा है, पहला क्वेश्चन में बोला cos x into cos 2x into cos 3x का डिफरेंशिएशन करो, तो इसका सॉल्यूशन करते समय हम सबसे पहले जो मानना है y बराबर मानना है, अगर आपकी इच्छा है तो p बराबर भी मान लीजिए, हालांकि जो डिफरेंशिएशन होता है वो तो dy / dx है, इसीलिए हम इसको y मानेंगे, राइट। तो यहां पे लेट y बराबर cos x cos 2x into cos 3x। अब प्यारे छात्रों जब कभी भी बहुत सारा चीज गुना में रहेगा, याद रखिए अगर सवाल बहुत सारा चीज गुना 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 में रहेगा तो हमेशा दोनों तरफ log लेना है। क्या लेना है? log। क्यों? क्योंकि अभी अभी हम लोग पढ़े कि log के अंदर में अगर गुना रहता है तो उसको हम लोग प्लस में तोड़ सकते हैं, समझ में आ रहा है। इसीलिए अगर सवाल डिफरेंशिएशन करने बोले और उसके पहले अगर आपको देखना पड़ेगा कि वो बहुत सारा चीज जो है गुना में दिया हुआ है या फिर बहुत सारा चीज भागा में दिया है, गुना में दिया रहे या फिर भागा में दिया रहे, तो आपको लगाना है लॉग, कुछ मानना है पहले। तो सबसे पहले हम वाई मान लिए, अब वाई मानने के बाद दोनों तरफ क्या लेना है? लॉग। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? टेकिंग, टेक मतलब होता है लेना, तो टेकिंग log both side, हम लोग दोनों तरफ क्या ले लिए? log। तो प्यारे छात्रों यहां पे बन गया log y इज इक्वल टू log के अंदर, जो भी पूरा सवाल है ना, तो log के अंदर जब भी log लेंगे तो इसके आगे log और इतना के आगे log, बस। तो log cos x into cos 2x into cos 3x। देखिए दोनों तरफ log लेने का फायदा क्या बना कि इधर तो log y का log y ही रहेगा, लेकिन log के अंदर m p r s t कुछ भी गुना में रहता है सबको प्लस में तोड़ देते हैं, तो ये क्या बना? log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, इतना चीज बन गया। अब हम लोग को क्या करेंगे? अब डिफरेंशिएशन करना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। तो उसके नीचे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन। तो इधर करेंगे तो डी लॉग वाई बटा, इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? तो लॉग के बगल में वाई है तो इसको कर देंगे डी वाई, और फिर ये ऊपर जाएगा तो डी वाई बटा dx, फिर बराबर है तो बराबर। देखिए अब log y का हमको डिफरेंशिएशन करना था तो ये हम कैसे कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, ये अभी तक के हम बहुत बार बता चुके हैं
कि log x का dx के रिस्पेक्ट में 1 बाई एक्स होता है। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स तब होता है जब log के बगल में x और नीचे x रहेगा। इसीलिए log y था तो हम यहाँ डिवाइड किए अपने मन से चैन रूल को यूज करके यहाँ वाला ऊपर और फिर dx, और dy बाई dx को ऐसे ही छोड़ देंगे साथियों, इसलिए छोड़ देंगे ताकि dy बाई dx का तो ही मान निकालना है ना, इसलिए dy बाई dx को ऐसे छोड़ देंगे। अच्छा, इसको करेंगे तो d log cos x को किसके रिस्पेक्ट में, तो d cos x के रिस्पेक्ट में, और नीचे वाला d cos x ऊपर जाएगा तो d cos x बटा dx। याद रखिए यहां वाला जो log cos x है ये इसके बाजू में है, देख पा रहे हो ये सब बाजू में है, log cos 3x log के बाजू में है, तो इसलिए log के जो बाजू में रहता है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि log यहां वाला चीज, log जो यहां पे cos x है, यहां वाला और यहां वाला सेम चीज दिखे। अच्छा, फिर क्या है प्लस, तो फिर यहां देंगे प्लस, फिर log cos 2x है तो कैसे करेंगे, d log cos 2x वो किसके रिस्पेक्ट में, d cos 2x और इनटू d, चूंकि जगह नहीं है अब इसके आगे हम ऊपर मिटाते हैं और इसके आगे हम लोग ऊपर ही लिखते हैं, तो जरा अच्छा से देखिएगा, चूंकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, ये छोटा वाला बोर्ड है, क्लास वाला तो बहुत बड़ा बोर्ड है, प्रॉब्लम होता है। चलिए तो अभी हम लोग इसी के आगे करेंगे, तो सॉरी वो तो मिट गया, आपके पास होगा क्वेश्चन तो हम डायरेक्ट इसके बाद इनटू करके यहां से लिखते हैं, यहां पे डी कॉस टू एक्स है तो डी कॉस टू एक्स ऊपर जाएगा, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में प्यारे छात्रों, डी टू एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कॉस के बगल में क्या है, टू एक्स है, अब ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो डी टू एक्स बाई डी एक्स। अब रावत की सर, आप डी कॉस एक्स को डी एक्स में ही क्यों छोड़ दिए थे, क्योंकि यहाँ पे कॉस एक्स का फार्मूला होता है डी एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे कॉस टू एक्स को टू एक्स ही छोड़ दिए थे क्योंकि फार्मूला कॉस का बन जाएगा माइनस, और नीचे वाला हम चैन रूल तब तक यूज करते हैं जब तक कि डी एक्स आ नहीं जाता है। अब कॉस टू एक्स का तो हो गया, फिर लेंगे प्लस, प्लस के बाद डी लॉग कॉस थ्री एक्स बटा, लॉग के बगल में क्या है, कॉस थ्री एक्स, तो डी कॉस थ्री एक्स, और नीचे वाला ऊपर जाएगा तो डी कॉस थ्री एक्स बटा डी, कॉस के बाजू में क्या है, थ्री एक्स, तो डी थ्री एक्स, और डी थ्री एक्स जब ऊपर जाएगा तो डी थ्री एक्स बटा डी एक्स। चलिए तो ये जो चीज लिखना है ना प्यारे छात्रों, इसी में एड करके लिखना है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं था इसलिए हम इसको ऊपर लिखते हैं। अब चलिए यहां से शुरू करते हैं, तो लॉग वाई का वाई के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा प्यारे छात्रों, वन बाई वाई बनेगा, जैसा कि जानते हैं log x का x का तो 1 बाई एक्स, तो log y का y के रिस्पेक्ट में 1 बाई वाई, फिर इंटू dy बाई dx, dy बाई dx इज इक्वल टू log cos x बटा cos x, तो log x का होता है ना 1 बाई एक्स, तो यहां हो जाएगा cos cos, तो 1 बाई cos x। यहां पे समझिए log, अगर यहां पे x रहता, यहां पे x रहता तो log x को x के रिस्पेक्ट में 1 बाई एक्स, तो log तो हट जाता है ना, यहां पे cos x तो 1 बाई cos x, फिर इंटू, तो इंटू cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, फिर प्लस, तो प्लस log cos 2x cos 2x, तो 1 बाई cos 2x इंटू इंटू यहां cos का होता है माइनस साइन टू एक्स, कॉस का तो माइनस साइन और टू एक्स था तो टू एक्स लगा दिए, इनटू अब टू एक्स का डिफरेंशिएशन हम जरा शॉर्ट में कर देते हैं प्यारे छात्रों, टू जब बाहर निकलेगा तो डीएक्स बाई डी एक्स, तो डीएक्स बाई डी एक्स का वैल्यू वन, और टू को वन से गुणा करेंगे डायरेक्ट हो जाएगा टू, फिर ये वाला प्लस है ना जरा नीचे से लिखते हैं, जगह नहीं है, प्लस लॉग कॉस थ्री एक्स, तो यहां बनेगा वन बाई कॉस थ्री एक्स इंटू इंटू कॉस का हो जाएगा माइनस साइन और 3x का 3x इंटू इंटू 3x का डिफरेंशिएशन 3 जब बाहर आएगा तो dx बाई डी एक्स मतलब 3।
अब जरा इसको अच्छे से लिखते हैं तो क्या बनेगा वो जरा समझिएगा। यहां पे हम अच्छे से लिखते हैं इसको, वन बाई वाई इंटू डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस प्लस माइनस तैयार छात्रों माइनस और टू तो टू साइन टू एक्स बाई कॉस टू एक्स देख पा रहे होंगे प्लस प्लस माइनस माइनस थ्री थ्री आगे कर दिए साइन थ्री एक्स बाई कॉस थ्री एक्स साइन थ्री एक्स बाई कॉस थ्री एक्स। अब हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स साइन टू एक्स बाई कॉस टू एक्स, तो इसको लिख सकते हैं टेन टू एक्स साइन थ्री एक्स बाई कॉस थ्री एक्स, इसको लिख सकते हैं टेन एक्स टेन थ्री एक्स, तो इसको अच्छा से लिख देंगे वन बाई वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स सॉरी इंटू है यहां पे इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं माइनस टेन एक्स माइनस टू टेन एक्स माइनस थ्री टेन थ्री एक्स, प्यारे छात्रों ये हम लिख सकते हैं। और वही नहीं तो माइनस को हम बाहर निकाल सकते हैं कॉमन, ये माइनस ये माइनस ये माइनस को आगे निकाल सकते हैं तो क्या बनेगा जरा देखिएगा, वन बाई वाई इंटू डीवाई बाई डी एक्स डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन करेंगे तो यहां आ जाएगा क्या टेन एक्स प्लस, क्योंकि माइनस तो हम सबको बाहर कर लिया ना तो यहां प्लस टू टेन टू एक्स प्लस थ्री टेन थ्री एक्स। अब इस तरह का सिचुएशन बन रहा है, अभी भी हम डिफरेंशिएशन नहीं हुआ क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब प्यारे छात्रों डीवाई बाई डी एक्स, तो यहां तो डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू नहीं निकला हुआ है तो डीवाई बाई डी एक्स निकालने के लिए जो नीचे वाई जो है भागा में इसको ऊपर भेज देंगे। तो चलिए आगे का सिचुएशन देखते हैं कैसा होता है। इसलिए अब हम लोग लास्ट मुकाम पे पहुंचे हैं कि डीवाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, तो वाई जो है भागा में है तो इस y को हम लोग क्या कर देंगे उधर जाके गुना, तो ये माइनस है तो माइनस y चूंकि ये नीचे है ना ऊपर जाके गुना हो जाएगा और ये सब जस का तस रहेगा यानी कि tan x प्लस टू tan 2x प्लस थ्री tan 3x। अब प्यारे छात्रों हम लोग y का मान पुट कर देंगे क्योंकि लास्ट में शुरू जब क्वेश्चन शुरू हो रहा था उसी टाइम हम y का मान मान लिए थे कि cos x इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स, जरा आप शुरू में जैसे ही क्वेश्चन नंबर लिखे थे उसके नीचे हम माने थे कि लेट y बराबर इतना, तो क्या y की जगह पे इतना नहीं रख सकते हैं, तो बिल्कुल वहीं से y की जगह पे क्या रख देना है, y की जगह पे रख देना है cos x, ये तो माइनस का माइनस है cos x इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स, वाई की जगह पर रख दिए और ब्रैकेट में यही रहेगा टेन एक्स प्लस टू टेन टू एक्स प्लस थ्री टेन थ्री एक्स। तो इस तरीके से मेरा ये आंसर है, जरा हम जो बुक का आंसर है उसको जरा देख लेते हैं कि वो क्या आंसर हमें बोल रहा है किस तरह से आने बोल रहा है क्वेश्चन को का आंसर, क्योंकि 5.3 में अक्सर होता है क्या है कि आंसर मैच नहीं करता है 5.5 में, तो बिल्कुल सही आंसर है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जैसा कि आप जानते हैं, तो सही आंसर है यानी कि सबसे पहले जो हम y का वैल्यू माने हुए थे उसको यहां पे पुट कर देंगे और हमें सही सही आंसर मैच कर जाएगा। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व किए, हालांकि ये बड़ा तो है प्यारे छात्रों लेकिन आपको कुछ इससे समझने का मौका मिला है, समझने के लिए मौका मिला है कि आखिर हमें क्यों मानना है लॉग और लॉग मानने के बाद क्या करना है, वो चीजें इंपॉर्टेंट है और जो चीज हम y बराबर मानेंगे फिर जब आंसर करना है तो उस y के जगह पे वही वाला मान पुट करना है प्यारे छात्रों। इसीलिए चलिए हम अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और उससे भी हम लोग कुछ क्वेश्चन सीखेंगे, ऐसा नहीं है हार्ड तो कभी जिंदगी में कुछ होता ही नहीं है, चाहे आप सवाल का लेवल कितना भी उठा लो कभी भी हार्ड नहीं होता है।
आपको मैथ्स का जो रूल नियम है बस आप उसको फॉलो कीजिए, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आपको हम विश्वास दिलाते हैं अगर आपको उससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, हम आपके लिए आपका हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। तो क्वेश्चन नंबर टू कुछ इस तरह से है, x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री, x माइनस फोर, x माइनस फाइव और अंडर रूट में है सब कुछ। चलिए क्वेश्चन देख लिए, हम आपके सामने लाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, रूट में है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर लिखा है x माइनस वन, एक्स माइनस टू गुना में, और नीचे लिख दिया है x माइनस थ्री, x माइनस फोर, x माइनस फाइव। सबसे पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को प्यारे छात्रों हम इसको कुछ मानने वाले हैं और मानने के बाद कुछ लॉग का प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। सबसे पहले इसको मानेंगे क्या, लेट सॉल्यूशन करते वक्त मानना क्या है, लेट y इज इक्वल टू, लेट y बराबर रूट अंडर x माइनस वन, x माइनस टू बटा x माइनस थ्री, x माइनस फोर, x माइनस फाइव। ठीक है, ये चीज है। अब ये चीजें मानने वाले हैं हम, मान लिए y बराबर इतना। जब इतना मान लिए तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको, y बराबर जब इतना माने हैं तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं प्यारे छात्रों, x माइनस वन, x माइनस टू बटा x माइनस थ्री, x माइनस फोर, x माइनस फाइव के पूरा के पावर। देखिए ध्यान से देखिए, पूरा के पावर, जब रूट हटता है तो पावर एक बटा दो चढ़ता है। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा रूट में था तो जब रूट हटाए तो पूरा के पावर वन बाई टू, इधर वाई का वाई छोड़ते हैं। अब हम लोग यहां से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। तो यहां पे लिखना होगा डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन, सॉरी एक मिनट, गलती हो रहा है, यहां पे हम लोग को लॉग लेना होता है। देखिए लॉग क्यों लेंगे, क्योंकि पावर में जो चीज है, इधर तो लॉग लेंगे तो लॉग वाई बनेगा, क्यों, क्योंकि इधर गुना में है और फिर भागा में है, तो जब गुना भागा का केस रहता है तो लॉग बताता है ना भाई कि अगर गुना में रहेगा तो उसको प्लस में तोड़ सकते हैं और बटा में रहेगा तो उसको घटाओ में कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। दोनों तरफ अगर लॉग लेंगे तो इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग के अंदर, देखिए लॉग ले लिए, जब कभी भी लॉग लेंगे तो यहां लॉग लगाना है, यहां लॉग लगाना है और बाद बाकी वैसा ही रहेगा, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू बटा एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव के पावर क्या, वन बाई टू। याद रहे ये पूरा का पावर है वन बाई टू। अब हम लोग लॉग का यूज करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या रहने वाला है, तो लेफ्ट साइड में जो चीज है वही रहेगा, जैसे इधर लॉग वाई है तो लॉग वाई रहेगा इज इक्वल टू, ये आप देखिए जब हम लोग अभी पढ़े कि लॉग के अंदर अगर एन के पावर अगर एन रहता है तो पावर कहां हो जाता है, बाहर निकल जाता है, यानी कि ये जो पावर एन है तो एन को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, लॉग एम बचेगा। तो आप समझिए कि लॉग का आधार ये है और आधार का पावर एक बटा दो है, तो जब इसको अच्छा से लिखेंगे तो एक बटा दो बाहर आ जाएगा, यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे एक बटा दो लॉग फिर x माइनस वन, एक्स माइनस टू और बटा x माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों वन बाई टू कहां से आया, तो ये चूंकि पावर था तो अभी हम लोग प्रॉपर्टीज सीखे थे थ्योरी में। देखिए हर चीज जो पढ़ते हैं ना सबका यूज होता है, ऐसे फालतू का हम लोग नहीं पढ़ते हैं। पावर वाला फार्मूला पढ़े कि एन जब भी पावर में रहता है आगे आ जाता है, पावर वन बाई टू था आगे आ गया। चलिए इसके बाद हम लोग और भी लॉग का प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, कैसे चलिए देखते हैं। अभी फिलहाल ये लॉग वाई है तो इसको लॉग वाई छोड़ दीजिए, वन बाई टू है तो वन बाई टू छोड़ दीजिए।
अब हम लोग पढ़े हैं कि log m बटा अगर n रहेगा भागा में तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, घटाव में कर सकते हैं, log m माइनस log n। यानी कि यहां पे देख रहे हैं आप लोग कि भागा में है, तो जब भी अगर भागा में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको माइनस कर लेते हैं। तो यहां पे हम लोग वही काम करने वाले हैं, यानी कि आप बढ़िया से चीजों को देख रहे हैं, तो 1/2 तो हमसे प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे लिख दिए log, log के अंदर इसको ऊपर है ना, इस पूरा को हम कह रहे हैं ऊपर वाला को m, और इस पूरा वाला को नीचे वाले को कह रहे हैं n, तो log m माइनस log n, तो log m के जगह पे क्या लिखेंगे, log m के जगह x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, ये log m हो गया, और माइनस log n के जगह पे, n के जगह पे इतना x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 ब्रैकेट। इस तरह से log m माइनस log n पे तोड़ दिए। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं लेकर, क्या बनेगा, log y इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट log, अब इसको समझिए, log m इंटू एन, जब गुना में रहता है तो, जब गुना में रहता है तो टूटता है प्लस में, तो इसको तोड़ दिए, log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, और ये माइनस है तो इसको माइनस कर दिए। अब जब इसको तोड़ेंगे तो log m n p कुछ भी गुना में है ना सब कुछ, तो ये भी टूटेगा तो प्लस में, यानी हो जाएगा log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5 और ब्रैकेट पूरा का। चलिए अब फिर से आगे बढ़ते हैं, क्या बनेगा, तो log y इज इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, और ये माइनस सबके आगे गुना होगा तो माइनस प्लस, माइनस log x माइनस 3, माइनस प्लस माइनस log x माइनस 4, माइनस प्लस माइनस log x माइनस 5, इतना सारा चीज होगा। और यहां ब्रैकेट, क्योंकि सभी 1/2 तो सबके आगे है ना, इसलिए हम इसको एक साथ ब्रैकेट में ले रहे हैं। चलिए इतना चीज तो हो गया, इतना चीज करने के बाद अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देना है। तो यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, और जब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर हमें कैसा मिलेगा वो जरा समझते हैं। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो LHS में कैसे होगा, तो d log y dy dy by dx ऐसे ही होगा लेफ्ट में, बराबर 1/2 तो कांस्टेंट है, ऐसे ही होगा 1/2 बाहर निकलेगा, क्योंकि 1/2 अगर मान लेते हैं डिफरेंशिएशन पूरा लगा भी देते हैं तो 1/2 कांस्टेंट है तो कभी ना कभी बाहर निकलेगा ही, तो हम पहले ही बाहर निकाल दिए। और यहां पे सब प्लस में है तो हम लोग बाद में तोड़े चाहे पहले तोड़ ले, बात तो बराबर है, क्योंकि अगर प्लस में और माइनस में रहता है डिफरेंशिएशन टूट जाता है। इसको कैसे लिखेंगे, डी लॉग एक्स माइनस 1 को किसके रिस्पेक्ट में, प्यारे छात्रों याद रखिएगा एक्स माइनस 1 के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि लॉग के आगे एक्स माइनस 1 है, और इंटू इंटू नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे डी एक्स माइनस 1 बट्टा डी, इतना को लेकर सिर्फ इतना लिखे हैं, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहां से करते हैं प्लस, लॉग एक्स माइनस 2 है तो डी लॉग एक्स माइनस 2 को किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स माइनस 2, और नीचे वाला जाएगा ऊपर चैन रूल, अब रख देंगे डीएक्स के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस है तो माइनस देंगे लॉग, तो डी लॉग एक्स माइनस 3 को किसके रिस्पेक्ट में, एक्स माइनस 3 के रिस्पेक्ट में, एक्स माइनस 3, और ऊपर जाएगा एक्स माइनस 3 बट्टा में डीएक्स, इसके आगे माइनस, तो यहां तक तो हो गया, फिर चलेंगे माइनस, यहां लिखेंगे माइनस, एक्स माइनस 4 का क्या होगा, तो डी लॉग
x माइनस फोर वो किसके रिस्पेक्ट में, तो लॉग के आगे x माइनस फोर है तो x माइनस फोर, और नीचे वाला जाएगा ऊपर तो बनेगा डी एक्स माइनस फोर बटा डी एक्स, फिर से माइनस तो माइनस, x माइनस फाइव है लॉग x माइनस फाइव तो डी लॉग x माइनस फाइव बाय डी, लॉग के बगल में x माइनस फाइव है तो x माइनस फाइव इंटू लॉग x माइनस फाइव बटा डी एक्स। अब इस तरह से यहां पे हम लोग ब्रैकेट चढ़ाए थे तो लास्ट हो गया तो लास्ट में ब्रैकेट, तो इस तरीके से अभी हम लोग यहां पर डिफ्रेंसिएशन इतना कर चुके हैं सबका डिफ्रेंसिएशन। अब जरा इसको अच्छे से लिखते हैं कि क्या बन रहा है, फिर बन रहा है होगा क्या, तो यहां पे लिखते हैं लॉग वाई को वाई के रिस्पेक्ट में वन बाई वाई, फिर डीवाई बाई डीएक्स का डीवाई बाई डीएक्स बराबर वन बाई टू, तो पहले है ऑलरेडी बाहर है तो ऑलरेडी बाहर किए, फिर ब्रैकेट है लॉग एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में होता है वन बाई एक्स, तो लॉग एक्स माइनस वन का बनेगा क्या वन बाई एक्स माइनस वन, ठीक है यहां समझ में आ रहा है, फिर इंटू है इंटू देंगे। अब जरा इसका मतलब समझना है प्यारे छात्रों, अगर रहेगा डी एक्स माइनस वन बटा डी एक्स, इसको हम लोग अलग अलग तोड़ेंगे डी एक्स बटा डी एक्स और माइनस डी वन बटा डी एक्स, ऐसे ही ना तोड़ते हैं, अगर कोई भी अगर माइनस में या प्लस में रहता है डिफ्रेंसिएशन तो ऐसे ही तोड़ते हैं, ऐसा तोड़ेंगे तो वन का क्या होगा जीरो, चाहे क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो वन रहे चाहे टू रहे इसका मामला जीरो, तो डीएक्स बाई डीएक्स का ना ही वैल्यू हुआ तो इसका वैल्यू कितना हो गया टोटल वन, क्यों, क्योंकि डीएक्स बाई डीएक्स का वैल्यू वन और कांस्टेंट का वैल्यू जीरो, तो वन में से जीरो गया वन, तो इसी तरीके से डायरेक्ट इसके जगह पे हम कितना रख सकते हैं वन, समझ रहे हैं, ये शॉर्ट हम लोग कर दिए यहां पे वन रख देंगे, फिर यहां पे क्या है प्लस, तो प्लस लिखेंगे, जैसे कि यहां पे लॉग एक्स माइनस टू है नीचे एक्स माइनस टू है तो लॉग एक्स का होता है वन बाई एक्स, तो यहां हो जाएगा वन बाई एक्स माइनस टू, फिर इंटू, इसको भी दो पार्ट में तोड़ेंगे, अगर मान लिया कि यहां पे टू रहता तो डी एक्स बाई डी एक्स और डी टू एक्स बाई डी एक्स, और एक्स का डिफरेंसिएशन वन और कोई भी रहे दो रहे चार रहे जीरो ही होता तो वन माइनस जीरो वन, यानी कि एक्स माइनस टू का भी वैल्यू वन होता, फिर माइनस तो माइनस, लॉग एक्स माइनस थ्री को एक्स माइनस थ्री के रिस्पेक्ट में आप समझ पा रहे होंगे वन बाई एक्स होता है तो वन बाई एक्स माइनस थ्री, और इंटू इंटू एक्स माइनस थ्री का डिफरेंसिएशन जैसे इसको कर रहे थे आप वैसे ही इसका वैल्यू वन हो जाएगा, फिर माइनस माइनस लॉग एक्स माइनस फोर का वन बाई एक्स माइनस फोर इंटू वन, और फिर माइनस वन बाई एक्स माइनस फाइव इंटू वन, इस तरीके से और ब्रैकेट, तो इस तरीके से सबका अगर डिफरेंसिएशन करेंगे तो इतना आएगा। अब जब इतना आ गया तो हम लोग ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जरा फिर से बताते हैं, लॉन्ग तो है क्योंकि प्लस माइनस हो जा रहा है तो इसके हिसाब से ये बड़ा बड़ा थोड़ा सा चला जाता है, उससे घबराने का जरूरत नहीं है। चलिए अब आप याद रखिए कि हमें तो डिफरेंसिएशन करना है भाई, और डिफरेंसिएशन का मतलब होता है डीवाई बाई डी एक्स, तो डीवाई बाई डी एक्स का अगर मान निकालेंगे तो कैसे मान निकालेंगे, नीचे वाला वाई जो है इधर चला जाएगा तो नीचे वाला वाई जाके ऊपर हो जाएगा तो वाई बाई टू लिख सकते हैं, तो यहां हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू वाई, वन बाई टू को वन बाई टू छोड़ दिए हैं और नीचे वाला वाई ऊपर जाके गुना हो गया है इंटू वाई, और ब्रैकेट इसको लिख सकते हैं वन बाई एक्स माइनस वन को वन से गुना करेंगे तो वही प्लस वन बाई एक्स माइनस टू, फिर माइनस वन बाई एक्स माइनस थ्री, फिर से माइनस वन बाय एक्स माइनस फोर, फिर से माइनस वन बाय एक्स माइनस फाइव, ये चीज बन रहा है, ठीक है। अब इतना तो आ गया, अब आप देख पाएंगे कि इसको जब डीवाई बाई डी एक्स यानी कि डिफ्रेंसिएशन करना था का मतलब डीवाई बाई डी एक्स है ना निकालना है, तो डीवाई बाई डी एक्स तो आंसर निकल गया, लेकिन इस वाई के जगह पे हम शुरू में ही माने थे कि वाई बराबर रूट में एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू
ब्रैकेट x माइनस थ्री एक्स माइनस फोर इतना हम पहले ही मांग चुके हैं, तो इसी y के जगह पे इतना वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस तरीके से मेरा आंसर अब जो आएगा वो ऐसा आएगा, 1 बाई टू इस y के जगह पे पूरा रूट x माइनस वन एक्स माइनस टू बट्टा क्या होगा x माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, और फिर ये ब्रैकेट हमको जरूरी नहीं है कि मंझली ब्रैकेट भी देंगे, कोई सा भी ब्रैकेट देंगे काम चलेगा, वन बाय एक्स माइनस वन प्लस वन बाय एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स माइनस फोर माइनस एक्स माइनस फाइव। इस तरीके से ये रहा आपका इतना बड़ा ये आंसर, आप मैच कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये जो आंसर है एकदम टिपिकल है, और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आगे भी है, अगर आप ट्राई करते हैं तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, हालांकि क्वेश्चन नंबर थ्री हम आपको हिंट्स कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री और क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर थ्री है log x के पावर cos x, ये इसका आंसर हो गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीन और क्वेश्चन नंबर चार हम आपको हिंट्स कर देते हैं, बनाते नहीं है। क्वेश्चन नंबर थ्री है log x के पावर cos x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन। तो डायरेक्ट प्यारे छात्रों यहां पे u सॉरी log नहीं लीजिएगा, डायरेक्ट नीचे वाला हो गया u, u का मान log x और u हो जाएगा v, तो u के पावर v वाला डायरेक्ट फार्मूला बैठा दीजिएगा और वही काम करते चले जाइएगा, आंसर आ जाएगा, यानी कि ये चलेगा u के पावर v पे। और चौथा नंबर सवाल क्या है वो दिखाते हैं। तो चौथा नंबर सवाल है x के पावर x टू के पावर साइन x, एक्स के पावर एक्स माइनस टू के पावर साइन एक्स। तो बिल्कुल प्यारे छात्रों आप सबसे पहले इसको मानिएगा फर्स्ट पार्ट, इसको मानिएगा फर्स्ट और इसको मानिएगा सेकेंड। आप सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, फर्स्ट पार्ट से चलिएगा तो एक्स के पावर एक्स यानी कि यहां भी यू का वैल्यू एक्स है और भी का वैल्यू एक्स है, तो एक्स के पावर एक्स माने यू भी एक्स और भी एक्स, यानी कि पहले वाला को यू बाय यू के पावर भी पे तोड़ लेना है और फिर बाद बाकी वाला सेकेंड पार्ट से चलेंगे टू के पावर साइन एक्स, यहां हो जाएगा टू हो जाएगा यू और भी हो जाएगा साइन एक्स, तो यहां पे यू के पावर भी पे तोड़ लेंगे और बाद बाकी फाइनल आंसर लाने के लिए वन में से दो को घटा देंगे, यानी कि वन का जो डिफरेंशिएशन करके आएगा दो का डिफरेंशिएशन करके आएगा वन में से दो को घटा देंगे। तो ये तीसरा और चौथा एक तरफ से मेरे तरफ से हिंट्स है, अगर आप इन्हीं हिंट्स से अगर आप सॉल्यूशन कर लेते हैं तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका होगा। लेकिन अगर नहीं भी बनाते हैं तो हम अगले क्लास में अगले वीडियोज में क्वेश्चन नंबर तीन से स्टार्ट करेंगे 5.5 का। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप कमेंट जरूर करें और ध्यान रहे हम एक बार और बोल देते हैं प्यारे छात्रों, क्योंकि मेरी भी एक खुशी का माहौल बनने वाला है तब जब आपके अनुसार 1K यानी कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत खुशी मिलेगी तब जाकर जब हम YouTube पे लाइव आएंगे आपके सामने। और लाइव का मतलब ये होता है कि अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्ट आपके स्क्रीन पे कमेंट दिखता है, सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, सेकेंड स्टेप में प्रॉब्लम है सर, हम आप तुरंत वहां पे सॉल्यूशन करते हैं। तो लाइव क्लासेस का एक अलग ही अंदाज है प्यारे छात्रों, इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि अगर आसपास के जो आपके दोस्त होंगे साथी होंगे तो उनके उनको बोलिए कि इसको सब्सक्राइब कर दे ताकि हम लोग को पढ़ने में आसानी हो सके और हम आपके साथ लाइव क्लास मिलकर चला सकते हैं। तो एक मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है और आप इसको बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा, तो ये हम भरोसा है आप पे बहुत। तो और बात बाकी अपने से कुछ ट्राई भी करना है, कोशिश करना है, जैसे कि क्वेश्चन हम समझाते हैं उसको भी जरा अच्छे से ट्राई करना है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ हम यही अपने बात को आज की क्लास में समाप्त करते हैं, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में अगले क्वेश्चन नंबर के साथ, धन्यवाद।